नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। बेंगलुरु मास मोलिस्टेशन की अभी सब लोग निंदा ही कर रहे थे कि अब दिल्ली में भी ऐसा मामला सामने आया है। बता दें कि न्यू ईयर ईव पर दिल्ली के मुखर्जी नगर की ये घटना सामने आई है। इसके वीडियो भी आए हैं जिसमें ये बात साफ हो गई है कि करीब 200 से ज्यादा लोगों ने मिलकर लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करी। हालांकि वहां तैनात दो पुलिसकर्मियों ने लड़कियों को बचाने की कोशिश करी। लड़कियां बाइक पर वहां से भाग गई, लेकिन पुलिस वालों की मुसीबत आ गई क्योंकि इस भीड़ ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। पुलिसकर्मी अनिल कौशिक के अनुसार लड़की बाइक पर जा रही थी कि अचानक से उसके पीछे लड़के पड़ गए। पुलिस वालों ने उन्हें रोकना चाहा। पुलिस वालों ने दो लड़के भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए, लेकिन इसके बाद ये लड़के गए और अपने दोस्तों को बुला कर ले आए, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ पुलिसकर्मियों पर हमला किया बल्कि थाने पर भी हमला बोल दिया। आपको बता दें कि इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुखर्जी नगर में 200 से अधिक आदमी शराब पीकर सड़क पर हुड़दंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी भीड़ ने लड़कियों को मोलेस्ट करने की भी कोशिश करी। सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिरकार लड़कियों की सुरक्षा करेगा कौन? इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राजनीति की अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।